दिनांक 24/10 की ये घटना है, जिसके अंदर हमारे जो नारायण जी रेगर हैं, उनके खेत में नियमित रूप से कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य करने से पहले भी जो दबंग थे वो लगातार इनको कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते थे, अपने मवेशी जबरदस्ती इनके खेत में घुस रहे, जिससे ये परेशान थे। लेकिन हर बार किसी न किसी तरह से ये मामला दब जाता था, कोई कुछ नहीं करता था। इस बार क्या होता है कि इनका एक पढ़ा लिखा बच्चा है जो महाराष्ट्र में पढ़ाई करता है, साथ में जॉब भी करता है, 25,000 रुपये में नर्सिंग स्टाफ के रूप में काम करता है। वो आया हुआ था, पढ़ा लिखा है, उसने देखा कि मेरे पिता के साथ में संगीन मारपीट हुई है और लगातार इन चीज़ों से पीड़ित है। तो उसने कहा कि पापा जी को FIR करते हैं। तो FIR देने के लिए पुलिस थाना उपस्थित हुए रूपनगढ़ पहले ही दिन उन्होंने कारमोल के साहब या तो दीपावली है, हम कर नहीं सकते, ऐसा कहीं है नहीं। जबकि राज्य सरकार ने स्पष्ट तौर पर आदेश जारी कर रखे हैं कि किसी भी मामला शिकायत जो भी है उसको तुरंत प्रभाव से दर्ज किया जाए, और जो SC ST और पॉक्सो के मामले हैं वो तो जल्दी ही दर्ज होने चाहिए। इस मामले के तहत पिता और पुत्र मुकदमा देने पहुंचे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं की गई, ना इस गाँव में किसी मुलजिम को लाया गया और उनको टालमोल करके भेज दिया। अगले दिन ये वापस 26-27 घंटे बाद में जब वापस गए, तो जब ओम प्रकाश पढ़ा लिखा होने के नाते उसने कहा कि साहब ये मुकदमा आपको दर्ज करना पड़ेगा, अन्यथा हम कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट में जाने के इस डर से कि भाई राज्य सरकार ने आदेश जारी कर रखे हैं कि मुकदमा तुरंत दर्ज करना है, और उसमें आप कोर्ट में जाने के जब उनको लगा तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया। उसी दौरान SHO रूपनगढ़ ने मुलजिम पक्ष से फोन पे बातचीत की। आधे घंटे की बातचीत के अंदर उन्होंने कहा कि आप इनके विरुद्ध चोरी मारपीट और घर में घुसने का मामला लेकर आए, मैं दर्ज करूंगा और मैं इनका इलाज करता हूँ। ये शब्द थे SHO के, ये इस तरह के SHO के शब्द थे। फिर मुकदमा दर्ज किया गया, मुकदमा 30 घंटे बाद में हमारा दर्ज किया गया, उनके जस्ट आधे घंटे बाद में उनका मुकदमा दर्ज किया गया। 235 में हमें 236 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, और लगातार ये दबाव बनाया गया कि तू मुकदमा वापस ले ले, अन्यथा तेरे को इस मामले के अंदर घर में घुसना, मारपीट करना और चोरी करने के मामले के अंदर हम आपको दोषी बनाएंगे। इस दबाव रहा, दबाव के चलते वृत्ताधिकारी जब डिप्टी साहब जाँच के लिए पहुंचे, तो सबसे बड़ी गनीमत ये थी कि नक्शा मौका के दौरान ही डिप्टी साहब वहाँ पे मुलजिम पक्ष के और वहाँ के जो सरपंच है, पूर्व सरपंच, उनके घर पे चाय नाश्ता करते हैं, 2-2 घंटे बातचीत करते हैं। इससे ये साबित होता है कि उनकी मिलीभगत सांठगांठ रही। इसी से प्रताड़ित था ये लड़का कि बार बार जब ये व्यवस्थाएं देख रहा था तो उसे लगा कि ये मामला अब नहीं हो पा रहा है। तो अगले दिन जब वृत्ताधिकारी कार्यालय के अंदर किशनगढ़ बयान देने के लिए ये लड़का और इसके पिता और 2 मुलजिम जो अदर इनके मित्रों को जबरदस्ती फर्जी FIR में बनाए गए हैं, रवि और युगल किशोर, वो वहाँ पहुंचे किशनगढ़।
किशनगढ़ पहुंचने के बाद में वहाँ वहाँ के लोकल पदाधिकारी के कार्यालय के जो स्टाफ है वो भी ये कहते हैं तो मुकदमा उठा ले अन्यथा तेरे को इस मामले में चालान कर देंगे, हम चोरी के मामले में तो चालान कर देंगे। इससे ये इतना दबाव में हो गया कि ये इस बच्चे को कुछ नहीं सूझा कि जब पूरा प्रशासन मेरा साथ नहीं दे रहा है, सारी व्यवस्थाएं मेरे खिलाफ होती जा रही है, तो इस बच्चे के अंदर कुंठा आने लगी। उसने जितना अपना बूता था तो जितने प्रयास थे उतने प्रयास किए, लास्ट में वही हिम्मत हार गया और इस हिम्मत हारने के दौरान उसे आत्महत्या जैसे बड़े कदम उठाने पड़े। 3 पृष्ठों की उसमें सुसाइड नोट में उसने संपूर्ण व्याख्या की है इस बात की कि मैंने ये सुसाइड क्यों किया है। अपने 164 के एविडेंस में, लिखित एविडेंस के अंदर इसने संपूर्ण व्याख्या की है कि मेरे साथ में ये घटना क्यों हुई है। और अब भी सबसे बड़ी बात है कि जब हमें पता चला तो हम रात को 1:30 बजे वहाँ पहुँचे, तब हमने ही परिवार को समझा कि यहाँ पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को यहाँ तक लेके आए। और हमने वहाँ पे भी पुलिस अधिकारियों को ये कहा था कि आप त्वरित प्रभाव से मुजरिमान की गिरफ्तारी करें, हमारी मांग यही है और इसी मांग को लेकर हम अड़े हुए। लेकिन अभी तक किसी ने कोई दबिश नहीं दी है, कहीं कोई पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है। जब मैं अभी अधिकारियों से बात कर रहा हूँ तब भी ये कह रहे थे हम तो यही बैठे हैं, हम तो आपके काम में बिजी हैं, तो भाई दबिश दे दो वहाँ से उठा के लिया मुजरिम को। लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बच्चे की व्यथा इतनी आसान नहीं है और इसके साथ में जो हुआ है वो बहुत गलत है, इसके लिए हम यहाँ पे तो ये सारी घटना अभी तो एफ आई आर दी है जिसमें जिसको 15 मार्च 3 5 29 पे 2.5 घंटे बढ़ी एकदम सारे शांति बनाए रखेंगे। अरे भाई शांति रखो थोड़ा, भाई साहब बात कर रहे हैं ना। फिर भाई साहब किस लिए आए? आप आज भी दिए क्या? अभी दे ज्ञापन जो मैंने कहा ज्ञापन की बात कर रहे थे आपने, ये तो देखो पहले तो एक्चुअली जहाँ तक मैं जानता हूँ उतनी नॉलेज है, कोई ऐसी जो मुकदमा दर्ज होता है ना अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं करता है, आप एफ आई आर लिखी जाइए यहाँ के सरकार ने, उसके बाद अगर क्रोस में कोई इस तरह से वो करता है आप सुनते देखो 25 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ 3 बजे 25 तारीख को 200 मुकदमा इनके खिलाफ लोगों का दर्ज कर दिया 5 बजे पीटो 2 घंटे में देखो पीटो फिर झूठा मुकदमा दर्ज करा दो, और फिर ऐसे ऐसे अच्छे जो है ये सोचते हैं जनता का सम्मान करें, वो
वो तो वर्दी का सम्मान करती है, ऐसे नालायक लोगों का थोड़ी करती है। तो आप और मैं ये महसूस करें आम आदमी होने के नाते, जितने यहाँ लोग खड़े, कोई किसे पूछो किसी जात धर्म का हो, ओम प्रकाश ने हमला करते गांधी को मजबूर होकर मरा है। वैसे मर जाता जितने, अब ये चाहे गरीब है कुछ भी है, उनके लिए विरोध उल्टा उनको पीड़ित किया जा रहा है। वहाँ था ना अपना काम देख रहा, उसके बच्चों के ना वो पढ़ के मैं सोच रहा हूँ, इतना अंदर से वो हुआ कि देखने वाला चश्मा भी मुझे खुलाया, मैं दौड़ा रहा हूँ। और यहाँ के अधिकारियों में इतनी भी शर्म नहीं रही कि सब लोग कह रहे गिरफ्तारी कर लो, कुछ भी कर लो, क्यों भी ये बताओ। आप तो एसडीएम है ना, तो क्या कार्रवाई ये बताओ पहले, सारी चीज पुरानी एफ आई आर बताओ, आप देखो पुरानी एफ इस पे बताओ, यहाँ पुलिस के अधिकार नहीं तो हम नहीं वो देंगे। एक मिनट खड़ा मत हो अगर मैं गलत सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो मैं एसएसटी एक्ट के मामले में तत्काल निर्णय कौन सी जांच कर रहे हैं, जांच के बाद यहाँ केंद्र सरकार ने कर रखी हुई, लेकिन एसएसटी एक्ट में तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी देर तक निकाल दिया। अच्छा ये नहीं होते ही नहीं है, एफआईआर में जांच होते ही गिरफ्तारी अभी देंगे। 5 मिनट वकील है ना आप देखो, और ये 2 घंटे बाद नवाज स्क्रीन बन के जो पीटे हुए उन्हीं के खिलाफ मुकदमा, क्या कमाल कर रहे हैं। राजस्थान में भी रजिस्ट्रेशन कोई भी आता है, इनका तो 24 में भी नहीं हुआ, इनका तो 25 में हुआ, आपने लिख के दिए रिपोर्ट, जांच करवा देंगे, कोई आप किसी के खिलाफ इसको दर्ज कराओ, दर्ज कराओ, जांच करा लेना, दर्ज कराओ, फिर हम प्रयास यही तो काम है। और FIR दर्ज हुई, FIR तो बड़ी मुश्किल में FIR दर्ज हुई है, और जो सीओ है डिप्टी जो है, डिप्टी बोलते हैं हमारे सीओ, डिप्टी जो है वो मेरे से कमीजी से बात कर रहा है, संजय से बात की है, और अब गांव में आया है तो जिनके खिलाफ नीचे बैठो यार, बैठ जाओ, दिक्कत।
भी बैठे हैं सब, और कोई हल्ला ना होता, किसी कोई बात नहीं तो आगे अपनी बात कर दे। हमारा साहब रहे बताओ, अब भैया बैठ लो बैठ लो, अभी तो दिमाग का सुनवाई नहीं करता। अरे यार बैठ ले भाई, आप ये दर्द करा दो, वो दर्द करा दे दो, आर्य को फोन करके वो मंगा, एफआईआर दर्ज करके मंगा कोर्ट वाले से। यहाँ के अधिकारी तो हमने देख ली, बैठो ना आराम से, मुझे भरोसा है, मगर आपको जो बता एक आदमी जो पीड़ित हुआ कहाँ जाएगा पुलिस के पास ना भाई, मुकदमा लिखने की ताकत किसके पास है, पुलिस के पास, और जांच करने की भी, अगर मैं जांच करके दूं तो क्या आप मान लोगे सही, नहीं मान सकते क्योंकि आप सिस्टम के लोग हो, और ना ही मैं मुकदमा लिख सकता, ये दोनों ताकत आपके पास है, ये तो आम आदमी आपको भगवान की तरह देखता है, लेकिन भगवान क्या कर रहा है, उसका कत्ल कर दे रहा है, तो इससे तो न्याय की जो वो है परिकल्पना उसको भी ठेस पहुंच रही है। आप देखो 24 घंटे से उनका बच्चा सुसाइड करने पड़ा, और हम लोगों को वहाँ सारा वो करके, जबकि हमारा धर्म है, उसने हमें उसने याद किया, उसकी अंतिम इच्छा ना, जिसको फांसी की सजा होती है ना उसकी भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, उसकी अंतिम इच्छा में सारे काम छोड़ के आया, और सच है उसकी बात, वो उसने अपने हीरो को पिटते देखा ना, मेरे पिता के साथ भी कोई ऐसा करता तो मेरे लिए मेरा जीवन मरने लायक ही होता, अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर आप भी जानते हैं आपके पिता के साथ ऐसा होता, आपको बताओ, मैं तो अपनी भावुकता को भी रोक पा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा वो उसकी तड़प, मैंने उसके लेटर में देखी है, लेकिन नहीं होगा अन्याय बता, आप दर्ज कराओ और फिर उसे एसएचओ को बताओ, अगर इतना ही मन हो ना चमचागिरी करने का तो तारे खाकी और आए सफेद कपड़े पहन के, देखो कुत्ता ना बना दिया ना उसका, तब बताना ठीक है, नीचे नहीं इसका सम्मान है जो आपने पैर रखी है, इसका सम्मान है, ये हमारे देश का सम्मान है गौरव, इसलिए वरना क्या हम लोग कमजोर हैं, बिल्कुल कमजोर नहीं है, आप वो दर्ज कराओ फिर हम बात करेंगे, अभी तो मैंने उसकी माँ से भी मिला, देखो वो क्या सोच रही होगी, अकेला बेटा जिसका, बताओ कहाँ से लाके दूँ मैं इसको, बताओ ये देखो इनको कहाँ से लाके दूँ बताओ, निष्पक्ष कार्रवाई करवाला, मेरे मुलाओं ने भी निष्पक्ष कर पाई, निष्पक्ष लंबे होते हैं वो दलित के दबंगे घर जाके बैठते हैं, ये कौन सा निष्पक्ष चाहिए आपका, माने वो जावा अगला करना तो बड़ी करवा, आपने अधिकारी से करा, भाई साहब मैंने आपसे मैंने बात की उससे, मुझे मालूम है कितने देखो भाई, मेरा आपसे ये निवेदन है, हाथ जोड़ लो, न्याय चाहिए ना, तो फिर पहले एफआईआर कॉपी आएगी उसके बाद सारी बात हो, और एक चीज याद रखो, तुम तय करो तुम्हें ऐसे ही मरना है या फिर जो है अपने पैरों पर नहीं सर, ये कोई मौत नहीं है ना, मैं तो वो अगर मेरे आज जिंदा होता तो मैं उससे भी लड़ता, सही है, ये क्या किया उसने, हालातों के सामने ऐसे टूट के बैठोगे क्या, नहीं बैठेंगे बिल्कुल नहीं, अभी बात होने तो जिम्मेदार से बैठो, और जिसको लगता है कि भाई मेरी फॉर्मेलिटी पूरी हो घर जाना चाहता चला जाए, मैं किसी को बिल्कुल दबाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मेरी माँ को उस बहन को उनके पिताजी को संतुष्टि नहीं होती तब तक तो लड़ाई शुरू भी नहीं होती, ठीक है, अभी तो इनको वो, अगर वो अच्छे अधिकारी हैं मैं इनको क्यों कुछ कहूँ, इनका दोष थोड़ा ये भाई, देखो हम इनकी तरह नहीं कर सकते ना, जिसका दोष है उसी को कहेंगे, लेकिन इनसे उम्मीद करते हैं कि वो न्याय करवाने में मदद करें, एसडीएम साहब भी खड़े, एफआईआर कॉपी मंगवाइए, पहले कॉपी लें उसके बाद बाकी बात करें, और वो भी देखो सुनिए ना कितने ताकतवर हैं, यहाँ के लोग पीटते भी हैं पिटाई भी लेते हैं, और देखो चैन से घर बैठे 24 घंटे, अगर मैं कड़वी बात कहूँ भाई यहाँ बैठे बताएंगे, किसी और बिरादरी का होता ना अब तक लटका दी हो तो घर के लोगों को भी यार क्या मजाक कर रहे हो, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ बताओ, ताकतवर व्यक्ति होता तो अब तो उसकी उसकी बच्चियों को उसकी माँ को भी उठा रहा, ये आपका तमाशा देख रहे हैं लोग, तुम लोग अपने आप में खुश होते रहते हो राजस्थान के साथियों, हाँ देखो ये बल है, हम अन्याय भी सह रहे हैं फिर भी चुप हैं,
तो मैं आपका इस अन्याय के खिलाफ अगर आप चुप हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप न्याय तक चुप नहीं रहना। बिल्कुल सर। अगर देखो माँ भी तब दूध पिलाती जब बच्चा रो पड़ता है, अगर बच्चा ना रोए माँ भी नहीं दूध पिलाती, बताओ पिलाती है क्या? नहीं सर। लगता है सब ठीक है, कुछ भी करो इस अन्याय को रोकने के लिए, कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो करो, ठीक है? नहीं बोलो, लेकिन यार ये सुसाइड वाला काम ये बहुत बुरा है। मैं अगर उसको बीमार होता ना, उसके ऊपर लाखों रुपए लगते, हम लोग इकट्ठा करके दे देते उसको, उसकी हड्डी टूट जाती हम लोग उसको सही करा लेते, लेकिन उसको हम जिंदा नहीं कर सकते। एक भाई खो दिया ना, और कैसे पाल के बड़ा होता, किसी से पूछ के देखो, जिसके बेटा उससे पूछो, अगर बच्चा रो पड़े तो पिता की रूह कांप जाती, इस पिता पे क्या बीतती होगी? नर्सिंग कराई, नर्सिंग कितनी बड़ी पढ़ाई है, नर्सिंग में कितनो कर दिया वो। देखो वो पढ़ा लिखा था ना, इसलिए अपमान समझा। अगर अनपढ़ होता तो सोचता कि यार तो होता ही रहता हमारे साथ। नहीं, मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ, वो कायर नहीं था, कायर होता तो ये रास्ता नहीं चुनता, वो ताकतवर था, लेकिन वो इस अन्याय को सह नहीं पाया, उसे लगा कि यार ये नहीं। मैं आपको भी कह रहा हूँ, अभी आने दो एप्लीकेशन, अभी तो इनके आंसू जब तक नहीं पूछते तब तक नहीं। मैं तो यार रात से इतना परेशान हूँ कि समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसको कितनी उम्मीद लगा के बैठा है वो, आप लोगों से पता? वो मरने के बाद आपसे उम्मीद लगा रहा था, जब वो मरने जा रहा था कि भाई मेरे लोग जो आके मेरी लड़ाई लड़ेंगे, उसके पास आपके अलावा है क्या पता? तो नहीं, अभी तो लड़ाई संघर्ष शुरू हुआ है, अंजाम तक लेके जाना, ठीक है? और चैन से बैठे रहो यार, कुछ नहीं होता, किसान एक साल बैठे रहे। देखो यार मैं बहुत ताकतवर व्यक्ति हूँ, मौत से नहीं डरता, लेकिन इस अन्याय से डरता हूँ। अब मैं इनको क्या जवाब दूँगी? आप बताओ, आपके पास जवाब हो तो आप बताओ, मेरे पास नहीं बन पा रहा, मैं उनको क्या जवाब दूँ? वो ये सोचते हैं कि हमारे लोग तो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन देखो कहाँ है ताकत यार। तो इसलिए मैं आपसे क्या, मुझे बस इसी चीज से डर लगता है कि ये अन्याय बंद होना चाहिए, उसकी कोई कीमत, अगर जान भी कीमत है तो हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकारें जानती है। तो बैठे रहो, मैं उनसे बात कर लूं, और जो यहाँ साथी बैठे हो अपनी बात सुनो, ऐसा मत करो कोई इधर चिल्लाए को उधर चिल्लाए, और एक रुक रहो, इन पे भरोसा करो, जो लोग यहाँ बैठे तुम्हें भरोसा है लोगों पे, फिर बैठे रहो, फिर उनकी बात को सुनो, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे गुस्से की भी कदर करता हूँ, तुम्हें देखो तुम्हें दर्द है तभी तो तुम यहाँ, अगर दर्द ना होता कौन आता, किसी के यहाँ रिश्तेदार मिल जाता, तो इस दर्द को समझते हुए ताकत बना, ठीक है? बैठ जाओ, मैं उनसे बात करूँ उनकी। मैं तो देखो यार बड़ी तकलीफ है, कैसे सामना करूं? देखो मैं हिम्मत ही जुटा, चंद्रशेखर भाई आप संघर्ष करो। मैं एक चीज और बता रहा हूँ, तालियां बजाने से गालियां देने से कभी न्याय नहीं मिलता। हाँ कर लो आप, हम तो आपसे आपसे ही कह सकते अपना कोई नहीं, बन जाओ।